हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडीआई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए 20 जुलाई की मुख्य 38 खबरें आपको लेकर के आ गया हूं दोस्तों, जो कि RSMSSB RPSC LDC बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट संबंधी, कॉलेज परीक्षाओं से संबंधित, नई भर्ती, लंबित भर्ती, परीक्षा तिथि, परिणाम, अन्य खबरें, PTET और भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और आपकी आर्मी रैली जो भर्ती है उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर एक जो है नोटिस वायरल हो रहा है 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर, वो भी जानकारी आपको सच्चाई बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की पहली खबर है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में नवीन प्रवेश हेतु आज से करें आवेदन, केकड़ी से महत्वपूर्ण खबर। इग्नू में 31 तक आवेदन का अवसर, मौका, नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता से खबर। JEE एडवांस में कोई बदलाव नहीं होगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT दिल्ली ने कहा कि JEE एडवांस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए क्विक हेल्प शुरू, बीकानेर BSTC। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश शुरू, चौधरी शिवगंज से मुख्य खबर। इग्नू की परीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाई, इग्नू की परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षा तिथि बढ़ा दी है, बीकानेर से मुख्य खबर। ऑनलाइन पढ़ाई है के है बड़े नुकसान, ऑनलाइन पढ़ाई के है बड़े नुकसान, मुख्य खबर। PTET परीक्षा केंद्रों में संशोधन करने का मौका, 24 जुलाई तक कर सकते हैं विद्यार्थी संशोधन। स्नातक एवं एक सीट के लिए लगभग 4 दावेदार, 31 जुलाई है आवेदन की अंतिम तिथि, पहली बार आवेदकों की संख्या 3 लाख के पास, मुख्य खबर। सांकेतिक भाषा को क्षेत्रीय में बदलने वाले सॉफ्टवेयर से आसान होगी मूक बधिरों की राह, श्रीगंगानगर। बचपन को भी कोरोना से झकझोर दिया, बचपन को भी कोरोना ने झकझोर दिया, मुख्य खबर। कनिष्ठ सहायकों को ज्वाइनिंग में राहत, बीकानेर। अगली खबर है दोस्तों, यहाँ पर जनता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, मुझे प्रदेश की जनता की समझ पर पूरा विश्वास। डूंगर कॉलेज में प्रस्तावित सम्मेलन स्थगित, बीकानेर। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को रास नहीं आई, BTU से संबंध 31 कॉलेजों की ग्रेडिंग निर्धारित, बीकानेर। अब योग्यता से नहीं भाग्य से मिलेगा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश, 1 से 8वीं में प्रवेश के लिए सरकार की लॉटरी सिस्टम पर सवालिया निशान, सांभर झील से मुख्य खबर। राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू, शिवगंज से मुख्य खबर। निजी ट्रेनों का परिचालन 2023 से शुरू होगा, नई दिल्ली से मुख्य खबर, बुरी खबर। परीक्षा परिणाम से बढ़कर है जिंदगी, आकाश कुमार बादल ने कहा। जितना गुणगान सफल छात्रों का होता है उतना ही ध्यान हमें असफल छात्रों की मनोदशा को समझने पर भी लगाना होगा। सरकार ने अभिभावकों से पूछा कब खोले जाएं स्कूल, अरविंद पांडे नई दिल्ली से मुख्य खबर। स्कूल और डिजिटल शिक्षा, बोर्ड परीक्षाओं को RSCIT निःशुल्क कोर्स करने का मिलेगा मौका, सनराइज कंप्यूटर कॉलेज दातारामगंज में कर सकते हैं आवेदन, सीमा संदेश से मुख्य खबर। आयकर रिटर्न भरने का ई अभियान आज से शुरू, नई दिल्ली। लोन मोराटोरियम EMI पर राहत, दिसंबर तक बढ़ने की उम्मीद, नई दिल्ली। डाउनट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट IIT JEE मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनट ऐप। आयकर दाताओं को रिटर्न भरने में होगी आसानी, नई दिल्ली। NIFT में विभिन्न पद खाली, महत्वपूर्ण खबर। NIT की 30,841 सीटों पर प्रवेश कैसे होगा तय नहीं, IIT में प्रवेश को 75% की बाध्यता नहीं, जयपुर। सरकार ने स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों से सुझाव मांगे, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में खोलने की तैयारी, नई दिल्ली। अंतिम तिथि नज़दीक, तुरंत करें अप्लाई, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC की जो है 283 पदों पर भर्ती।
डी यू थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना जरूरी। साइंस कोर्सेज में दाखिले के लिए 70-30 का फॉर्मूला लागू। अमर उजाला ब्यूरो से मुख्य खबर। अब मदरसों छात्रों को की भी पढ़ाई होगी ऑनलाइन। जयपुर सता जगत से मुख्य खबर। सेना में शामिल होने का बेहतरीन मौका इस वक्त का। भारतीय सेना में चले जाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। रैली रिक्रूटमेंट कोटा ऑफिस है दोस्तों। कौन कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं? अजमेर, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद के अभ्यर्थियों के लिए। मुख्य खबर। विभिन्न पदों पर अवसर, संजय गांधी स्नातकोर आयुर्विज्ञान संस्था लखनऊ के। मुख्य पदों पर भर्ती दोस्तों 164। वेतन है आपका 1,20,000 से लेकर 2,20,000 रुपये तक। चलिए आपकी आपको जानकारी बताता हूँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं से लेकर के संबंधित क्या जानकारी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने ये एक नोटिस देखा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि आज परिणाम जारी होगा। कितने बजे? 4 बजे परिणाम जारी होगा बारहवीं कला वर्ग का। बिल्कुल ये दोस्तों क्या है? फेक है। मैंने कल भी दूसरा चैनल है जो उसमें बता दिया था कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि जो आपका परिणाम है वो सोमवार को जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है सरकार सियासी ड्रामे में चल रही है और इस कारण कोई अपडेट नहीं दे पा रही है विद्यार्थियों को। तो दोस्तों इस जानकारी को बिल्कुल भी आप सच ना समझें, और अपने जो प्यारे प्यारे छोटे दोस्त हैं आपके, यदि वो नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को तो उन तक जरूर पहुंचाए ताकि उनको गुमराह होने से बचाया जा सके। तो आज का सुविचार क्या है वो भी देख लेते हैं। आप सभी लोगों को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का सुविचार है, आज आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। यानी कि आप दुख हो तब भी कोई बात नहीं, आप खुश दिखाई दिया करो। आप खुश दिखोगे तो आपका जो दुश्मन होगा उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारियाँ ही आप लोगों के लिए पसंद आई होगी। और दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और यदि आप चाहते हो कि सेना की भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल जान सकते हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई होगी, और रोजाना आपको ये जानकारी जो है 6:30 बजे के लगभग आपको मिल जाती है, इसलिए इस वीडियो को रोजाना देखा करो। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। दिन में मिलते हैं कोई अपडेट के साथ।